I, Asif Saeed Khan Khosa, son of Sardar Faiz Muhammad Khan Khosa, Do solemnly swear that I'll bear true faith and allegiance to Pakistan. I'll discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully. May Allah Almighty help and guide me. Amin. चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कोर्टरूम नंबर 1 का चार्ज संभाल लिया। हल्फ उठाते ही सदर मुमलिकत से मिले वजीर आजम ने वन ऑन वन मुलाकात में इंसाफ की फरामी समेत अहम उमूर पर बातचीत की। मुसल्ला अफवाज के सरबराहान ने भी चीफ जस्टिस को मुबारकबाद दी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पहले रोज 3 फौजदारी मुकदमात की समाअत की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर फिर चढ़ाई। मोहम्मद डैम के कॉन्ट्रैक्ट पर एक बार फिर ऐवान की कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा अवाम और मांगे तांगे का पैसा आंखों पर पट्टी बांधकर खर्च किया जा रहा है। ठेके के मामले पर स्पीकर रूलिंग दे। अपोजिशन लीडर का बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के नाम ईसीएल से निकालने के हुकूमती फैसले का खैर मकदम। हुकूमत और अपोजिशन में कायमा कमेटियों की तश्कील का फार्मूला तय। खारजा उमूर की कमेटी हुकूमत के पास रहेगी। बिलावल भुट्टो को इंसानी हुकूक की कमेटी की सरबराही मिलेगी। नवीद कमर रेलवे कमेटी के चेयरमैन होंगे। नून लीग की जानिब से जल्द कमेटी चेयरमैनों के नाम फाइनल किए जाने का इम्कान। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी जलमे खलीलजाद की मुलाकात। अफगान मुफामती अमल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगानिस्तान में अमन के लिए मुफामती अमल मुश्तरका जिम्मेदारी है। सदर जनरल असम्बली मारिया फर्नांडा भी वजीर खारजा से मिली। कश्मीर समेत अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर बातचीत। लाहौर हाई कोर्ट से कत्ल के मुलजिम की फरार की कोशिश धरी रह गई। मुदई और मुलजिम पार्टियां गुत्थम गुथा। इहाते अदालत मैदान जंग बन गया। तफ्तीशी अफसर भी मार खाता रहा। पंजाब पुलिस को बदलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। मुल्तान में चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार 27 साल शख्स मुबैना तशद्दुद से जां बहक। पुलिस पेटी बंद भाइयों को बचाने में लग गई। कैदी को मारपीट की तस्वीर मंजर आम पर। अहमदपुर शर्किया में पुलिस एहलकार ने तशद्दुद के बाद बच्चे को घर में बंद कर दिया। 15 के एहलकारों ने बाजियाब कराया। ईरान से बारिशें बरसाने वाला सिस्टम इतवार को पाकिस्तान में एंट्री देगा। कराची में 20 और 21 जनवरी को बादल बरसेंगे। मौसम का हाल बताने वालों ने बता दिया। अदाकारा ईमान अली ने बाबर भट्टी को जिंदगी के सफर में हम सफर बना लिया। फरवरी में शादी होगी। ईमान अली ने होने वाले शौहर के साथ तस्वीर शेयर की तो मुबारकबादों के अंबार लग गए। चीन में मनुष्यात के गॉडफादर को तख्तेदार पर लटका दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखने वाले गांगजिया को मनुष्यात की तैयारी, स्मगलिंग और मुजरमों को तहफ्फुज़ देने के जुर्म में 2016 में सजाए मौत सुनाई गई थी। पाकिस्तान सुपर लीग 4 के लिए मद्दाहों का इंतजार खत्म होने के करीब। आज ऑफिशियल सॉन्ग जारी किया जाएगा। ऑनलाइन टिकटों की धड़ाधड़ फरोख्त जारी। और उर्दू अफसानों के बेबाक लिखारी सआदत हसन मंटो को दुनिया से गए 64 बरस बीत गए। मुतनाज़े मौज़ूआत पर खुलकर कलम उठाने पर उन्हें कई बार अदालती कटहरे तक भी जाना पड़ा। खोल दो ठंडा गोश्त धुआं समेत कई बेहतरीन अफसाने उर्दू अदब के आसमान पर हमेशा जगमगाते रहेंगे।